Allahu 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 Allah. पहली बात तो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम जब आसमान से तशरीफ़ लाएंगे तो वो बतौर नबी नहीं आएंगे। नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमान से दोबारा तशरीफ़ लाएंगे ज़मीन पर, वो बतौर उम्मती आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ही रहेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हदीस रहेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा गया कुरान ही रहेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और खिलाफत और उन्हीं का कानून कायम रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी मुकर्रम मुहम्मद मुस्तफ़ा ख़त्मुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उम्मती के तौर पर और अल्लाह के खलीफा के तौर पर ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। और इसी बात को साबित करने के लिए वो पहली नमाज हज़रत इमाम महदी के पीछे अदा फरमाएंगे। और ये बातें हमें सही हदीस से पता चलती हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 392 में है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम कैसे उम्दा हाल में होगे जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। यानी कि उतरने के बाद वो पहली नमाज मुक्तदी की हैसियत से इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ेंगे। और दूसरी हदीस में हमें ये पता चलता है कि इसमें थोड़ी सी और तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि ये हदीस है मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 395 के हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह मुसलसल हक पर कायम रहते हुए लड़ता रहेगा, जिहाद करता रहेगा, और वो क़्यामत के दिन तक जिस भी मौके में होंगे गालिब रहेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो उसी गिरोह का अमीर उनसे कहेगा कि आएँ हमें नमाज पढ़ाएँ। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि नहीं, अल्लाह की तरफ से इस उम्मत को बख्शी गई इज़्ज़त और शर्फ के बिना पर तुम ही एक दूसरे पर अमीर हो। यानी ताकि ये बात साबित हो जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बतौर उम्मती तशरीफ़ लाए हैं, ना कि बतौर नबी। और जहाँ तक ये बात आपने की है कि ये कैसे हो सकता है कि एक गैर नबी जो है वो इमामत करवाए और नबी जो है वो पीछे नमाज पढ़े, तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो पहली बात यह है कि नबी होंगे नहीं, वो उम्मती के तौर पर आएंगे। लेकिन ये जो आपने बात की है, मैं क्लेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक तफसीली हदीस है बुखारी शरीफ की 713 नंबर के, उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अलालत का वक्त था आखिरी अय्याम में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहें कि वह इमामत करें। तो अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो नरम दिल हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत ना करवा पा रहे हों, हालाँकि उनके दरमियान मौजूद हों, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और रिक्कत तारी हो सकती है उनके ऊपर, तो शायद वो अदा ना कर पाएँ, तो हज़रत उमर को हम कह देते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ही इमामत के लिए हुक्म जारी फरमाया। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इमामत के लिए खड़े हो गए तो थोड़ी देर में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तबीयत बेहतर महसूस हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहारे से मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाईं तरफ तशरीफ़ फरमाई और बैठ के हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैठ के हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत में नमाज मुकम्मल फरमाई। तो इसी तरह एक वाक्या हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे भी नमाज अदा फरमाई। तो ये मैं क्लारिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ है। जहाँ तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मामला है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बतौर
बतौर उम्मती तशरीफ़ लाएंगे और इसी को साबित करने के लिए वो इक्तदाम नमाज अदा फरमाएंगे। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे तो फिर उसके बाद से, क्योंकि वो एक नबी रह चुके हैं, उनका मर्तबा मुकाम ज़्यादा बड़ा होगा, उसके बाद से खलीफा वो होंगे, यानी अल्लाह के ज़मीन पर खलीफा वो होंगे, हुकूमत और हुक्मरानी उनकी होगी और हज़रत इमाम मेहदी उनकी उनके नायब की हैसियत में और उनके बाद उनका मुकाम होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको वो सुनहरा दौर दिखाए और उससे पहले आने वाले फितनों से, फितना दज्जाल से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या मुजीबस साइलीन।